वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. यस दिस इज परिणाश, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास एंड यू विल हैव अ नंबर मोर देन एंड अप्रोक्सीमेट 200 स्टूडेंट वुड बी अटेंडिंग. मेक्स नो डिफरेंस टू अस वेदर नंबर इज ग्रेटर और द स्मॉलर. अब पता अपनी ग्रामर प्रैक्टिस शुरू कर. यू जस्ट फील दैट द फैमिली गेटिंग बिगर. हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड टू बिगिन विद आई विल से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि तुसी जड़े भी हुण मंजिल की तलाश है चो तो अभी मंजिल तो मिल जाए. कोशिश ये रहेगी कि आपको सारी चीजें समझ आए. जड़ी चीज तो ना समझ आए, यू आर ऑल वेलकम. तुसी उद तक अपने क्वेश्चन पूछते रहने ने. ग्रामर दे कोई भी डाउट तुहाडा रहना ही नहीं चाहिए. द टाइम यू आर हेयर ऑल द क्लाउड्स ऑफ डिसकंटेंट शुड गो अवे. प्रिया हर प्रिया, ये आज ही प्लान हुआ था तो कल वैसे मैंने बताया था, थोड़ा हिंट करा था. ग्रामर की क्लास थ्राइस ए वीक होगी. इस हफ्ते सिर्फ 2 दिन ही लगेगी, नेक्स्ट वीक से 3 डे होगी क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. तो होपफुली अब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो बता दूंगा मैं आपको, शेड्यूल भी पहले भेज दूंगा. इस हाँ जी, सुकीरत बाजवा जी. अच्छा, बहुत देर बाद आवाज सुनी. वेरी वेरी गुड इवनिंग. चलो नहीं, मैंने भी थोड़ी वो प्रेजेंस फील हो रही है क्योंकि मेरे लिए तो जो तो पॉजिटिव फील एक आ जाता है ना, द टाइम आई एम विद यू पीपल इट फील्स कि एक फैमिली जो है, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव वाइब्स दैट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू वेयर एवर यू आर व्हेन एवर यू वॉन्ट अवेलेबल. सो वंस अगेन आई एक्सटेंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. क्योंकि आज डे वन है तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने लगे हैं. मे टेक सम टाइम. तो हूँ एक चीज थो मैं एक से दो चीजा. वन थिंग फॉर फर्स्ट वन, जो नवे बच्चे ने जिन्होंने कदे क्लास नहीं, सारे ही रितिका सारे स्टूडेंट हैं इसके अंदर. ये बहुत सारे बैचेस को मिला के एक बैच बनाया गया है जो ग्रामर का है, इसलिए ठीक है. हाँ, एंड दो तीन गल्लां सारे ने ध्यान रखनी है, स्पेशली द न्यू वंस जेडे कदे भी जिन्होंने क्लास इंग्लिश की नहीं लगाई. आई प्रोमिस यू विल लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. बढ़िया नवी चीजा सीखोगे. आई यूज ऑल थ्री लैंग्वेज, पंजाबी हिंदी एंड इंग्लिश, जिमें जिम्मे कंफर्टेबल लगेगा. अमन इज अ न्यू वन. एक काम आपने रोज करना है, पहले नए स्टूडेंट ले भी थे पुराने ले भी. वेन एवर यू आर हेयर कैरी आर नोटबुक विद यू. लेकिन ध्यान सुनना नोटबुक का करना की है, ठीक है. ध्यान सुनना भी नोटबुक का आप करना की है. हाँ, आप करना की है ये सुन लेना नोटबुक, ठीक है. आप रोज जब नोटबुक लेके अपने साथ बैठोगे तो व्हाट विल यू डू, यू नीड टू नो. रॉकर पेन सेलेक्ट नहीं हुआ. अच्छा, हाँ जी, ओके. न्यू स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है. रिकॉर्डेड है जी सत्येंद्र, बिल्कुल रिकॉर्डेड होगी ये क्लास, इट इज रिकॉर्डेड. नहीं नहीं सारे एकेडमी के हैं, डोंट वरी. यहाँ पर बीएड ईटीटी सारे ही बच्चे ग्रेम. याद ये रखो, दिस इज नॉट अ ओनली अ मास्टर्स क्लास, दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर क्लास. सो वी हैव इंक्लूडेड दोज हु आर डिजायरियस, जेडे भी इच्छुक है कि अपनी ग्रामर नु इंप्रूव करन दे, उन्हां नु सारयां नु ही इन दे विच बनाता गया. बेसिक ही स्टार्ट करूंगा जी, बिल्कुल बेसिक ही होगा, ठीक है. वो जो हल्का वो आपको इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से मिलेगी. अभी मैं क्योंकि आज ये क्लास खत्म करनी है तो पहले आपको दो दो डे वन है तो जो नवे बच्चे ने खास करके उन्होंने इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है. तो वेरी गुड इवनिंग अंजलि. पहली गल, ईच डे यू विल कैरी अ नोटबुक विद यू. नोटबुक सारे को जरूर होनी चाहिए थी. न्यू स्टूडेंट को तो मस्ट है, ठीक है. बाकी ने अगर किया भी होया तो भी नोटबुक तो को जरूर होगा, रिविजन होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी सारे. सैकेंड अगेन फॉर न्यू स्टूडेंट, कंसैप्ट क्लैरिटी. जो तक तुहानू कोई कंसैप्ट क्लीयर नहीं हो जाता उदों तक तुसी क्वेश्चन पूछते रहना. ग्रामर की हर चीज आपकी क्लीयर होनी चाहिए आपको. न्यू मीन्स हूएवर इज अटेंडिंग फर्स्ट टाइम अ क्लास ऑफ ग्रामर, इवन इफ इट इज अ मास्टर्स ऑफ इंग्लिश और मास्टर कैडर इंग्लिश, कोई भी बच्चा चाहे इतने बैठा है, ठीक है. थर्ड वन, जेडे स्टूडेंट पुराने ने जिन्होंने मान लो कोई क्लास ग्रामर की अटेंड की हुई है, दे नीड टू बी वेरी पेशेंट. थोड़ा जहा हौसला बना के रखना तुसी ताकि बाकियों मौका जरूर मिले वो आंसर करने का. टिल आई आस्क यू डोंट आंसर. बाकियों पूरा मौका देना है कि वो अपना सीख सकन नवी चीजा.
एंड इफ यू फाइंड आई यूज इंग्लिश समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड इन पंजाबी वो पंजाबी चो तुम समझावगा प्योर तिने लैंग्वेज नू बड़े आराम नाल इजीली आप चल रहा ठीक है। तो क्योंकि एक कस्टम है गया एक रिवाज है गया कि असी शुरू क्लास जो दिन एक होंगे ना भी असी वाहगुरु ते भगवान का नाम लैके शुरू करने हैं तो मैं ग्रैमर में शुरू कर लग्या छोटा जहा एक टेस्ट लैंदा होना स्पैलिंग टेस्ट अपनी नोटबुक निकाल लो। एक चीज इन्हें ध्यान रखना तुसी जिहड़ी आ पीपीटी विच जिहड़ी चीज़ आणगे जो मैं कहो ना लिखो उदो ही लिखना अदरवाइज कोई भी चीज़ तुसी अपनी मर्जी नाल नहीं लिखनी। डोंट राइट टिल आई आस्क यू जो मैं कहां लिखो उदो लिखना है। मेरा नाम अभी अमिताभ बच्चन ही समझ लो अभी नाम मैं आपको बाद में बात करूंगा पहले आप पढ़ लो जब आपको अच्छा लगा ना तो फिर मैं नाम दसांगा थोड़ा ठीक है। अभी आप समझो पहले पढ़ना है तो अभी आपको सिर्फ पढ़ना है ठीक है। अंडरस्टैंड भी जो तक मैं कहा ना राइट हो तक तुसी लिखना नहीं है ठीक है तब तक आपको क्योंकि ये जरूरी अगर तुसी पीपीटी लिखने बैठ गए ना तो ये क्लास 3 घंटे खत्म नहीं होगी। मैं थोड़ा पीपीटी ग्रुप भेजांगा तुसी उतो नोट कर लेना जो चीज नोट करनी है क्योंकि मेरे लिए ग्रामर का कंसैप्ट पता क्या है जदों तक तुसी चीज नू क्लियर नहीं किया उस लिखण का कोई मतलब है ही नहीं। ट्राई अंडरस्टैंड समझो फिर अगे लिखण की कोशिश करो तो जो मैं कहां लिख लो उदो लिख लेना अदरवाइज तुसी सिर्फ जिहड़ा अज मैं पहले स्पैलिंग लिखावांगा ना 4-5 वो ही लिखने ने उस तो बाद तुसी सिर्फ समझना है तो जो मैं कहां आंसर करो उदो ही आंसर करो। तो इट वॉज डे 1 थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स स्टार्ट नाउ डे 1 आई होप यू विल लर्न अ लॉट इस कोशिश नाल कि तुसी बड़े पॉजिटिव रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहोगे तो जो चीज ले तुसी इत्थे आए हो वो चीज तुहानू मिलेगी। सारे स्टूडेंट इत्थे ने जी फॉर मी इट्स ए फैमिली ड्रीम्स फैमिली एंड ए वेरी पॉजिटिव फैमिली मेरे को इको चीज ही तुहानू मिलेगी ऑल द टाइम पॉजिटिव वाइब्स एंड ए स्माइलिंग फेस एंड आई वॉन्ट यू टू कैरी विद यू दिस वन तुसी वे चीज़ नूं कैरी करो। तो चलो हुण अज दीआं गल्लां क्योंकि पहले दिन थोड़ी जी नवे स्टूडेंट होंदे ने उहनां नूं दसना जरूरी होंदा है। हाँ रिकॉर्डेड है राज वीर रिकॉर्डेड होगी हाँ जी। तो लेट्स स्टार्ट हुण तुसी पहले 5 स्पैलिंग लिखने ने उस तो बाद अज दा आपां टॉपिक शुरू करांगे और टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करांगा तुहानूं। तो एक चीज याद रखना एक चीज ध्यान रखना कोई भी स्पैलिंग तुसी इत्थे टाइप नहीं करनी अगर टाइप करोगे तो आपकी डिवाइस आपका मोबाइल उसको करेक्ट कर देता है डिक्शनरी होती है उसके अंदर तुसी नोटबुक ते लिखने ने। नो वन इज अलाउड पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा प्लीज बाकियां नूं सिखण देना किसी ने भी इत्थे जूम ते टाइप करके नहीं भेजना बाद च मैं इत्थे लिखांगा तुसी चेक करना भी तुहाडे किन्ने जिन्हां दे 5 विचों 5 ठीक हो गए उन्हां नूं मिलेगी एक आइसक्रीम ठीक है। ये वाली आइसक्रीम अपने आप उसके घर पहुंच जाएगी जिन्हें 4 ठीक किए उनके लिए ट्रॉफियां आएंगी ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ पहला वर्ड है ट्यूशन इंग्लिश स्पेलिंग लिखने ने पहला वर्ड लिखना है ट्यूशन मैं एक ही लेटर लिखांगा सिर्फ 30 सेकंड दूंगा मैं आपको लिखने के लिए परवाह ना करना ठीक है या गलत है टाइप नहीं करना मोबाइल की हेल्प नहीं लेनी कोई हेल्प नहीं लेनी आज तुम अपने आप नू अपने नू चेक करना कि मैं की कर रहा या कर रही हूं ओके। पहला वर्ड है ट्यूशन दूसरा वर्ड है इंग्लिश का ग्रामर पहला वर्ड ट्यूशन सेकंड ग्रामर तीसरा वर्ड है हैबिट हैबिट ट्यूशन ग्रामर हैबिट चौथा वर्ड डेफिनेशन आई रिपीट ऑल द 5 वर्ड्स एट द एंड ट्यूशन ना ना इतने नहीं लिखना प्लीज पूनम नॉट अलाउड टू राइट हियर स्पेलिंग भावे ठीक है गलत है प्लीज डू नॉट टाइप हेयर टाइप नहीं करना है यहाँ पर सारे नु प्रैक्टिस कर दो अपनी ट्यूशन ग्रामर हैबिट डेफिनेशन नेक्स्ट वर्ड इज रिसीट एक वर्ड और लिखांगे रिसीट पंजाबी चंदी प्रोनंसिएशन लिख देना मैं रिसीट क्योंकि हर रात जब आप घर जाओगे ना क्लास खत्म करके तो आपको लगेगा कि वी हैव लर्न समथिंग असी कुछ सीखे है। एंड लास्ट वर्ड इज असैसिनेशन असैसिनेशन ठीक है जब गलत है परवाह मत करना लिख दो बस पहला वर्ड ट्यूशन ग्रामर हैबिट डेफिनेशन रिसीट असैसिनेशन ओके। चलो अब चेक करते हैं आप अपने आप को टेस्ट करना कि आपने कितने ठीक करे तो आई होप थोड़े 6 से 6 ठीक होंगे जो नहीं भी होए तो आपको नया सीखने को मिलेगा। तो पहला वर्ड हम लिख रहे हैं जी इतने इन्हों हटावगा इतने ही मैं तो स्पेलिंग लिखांगा
आइसक्रीम वापस आ जाएगी जेडी हुन गायब होगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज ट्यूशन, टी यू आई टी आई ओ एन, ट्यूशन। हुन तुसी जेडी गलती कीती है ना, हाँ राजवीर डोंट वरी, यहाँ पर 500 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बिकॉज बिग्स बैक नाउ, वी हैव ऑल द पीपल हु लव टू लर्न ग्रामर ऑल हियर, ये ओपन है क्लास ग्रामरली। हाँ जी, तो ये देखो, हो सकता है किसी ने आए ना लिखा हो, थोड़ी कॉपी मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ, जेड़ी गलती है ना सिर्फ एक ही होएगी कि कई बच्चे ने जेड़े स्पेलिंग ने ना वो टी यू टी आई ओ एन लिखे होंगे, सिर्फ वो बच्चे कह अपने हाथ खड़े कर दें जिन्होंने आ गलती की थी, मतलब उन्होंने कॉपी में वेख ली है तो कैमरे नाल भी उन्होंने आ स्पेलिंग लिखे ने। हाँ देखो आपकी कॉपी में देख लेता हूं, यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने गलती की, हूं से आज तो बाद गलती नहीं होनी, अब आप सीख गए, बिकॉज दिस वर्ड इज नॉट ट्यूशन, इन ट्यूशन नहीं होंगे ट्यूशन होंगे, तो बड़ी हैरानगी थी कि बहुत सारे मिल गए यहाँ, तो भाई ये वाले नहीं होते, ये वाले होते, ठीक है, मैंने तो सोचा था एक के गलत हो गए, यहाँ बहुत हो गए, लेकिन गलत नहीं, अज असी इन पॉजिटिव शब्द देंगे, असी नवा शब्द सीखे ना कि असी गलती की, ठीक है। आप कई बार देखते हो बड़ा अजीब सा लिखता लगेगा थोड़ा, किसी के घर के बाहर लगे होंगे बोर्ड इंग्लिश ट्यूशन, एवं करके बोर्ड लगे होंगे, ठीक है, तो बड़ा अजीब सा लग जाता है, फनी सा हो जाएगा कि इंग्लिश ट्यूशन, एटलीस्ट इंग्लिश ट्यूशन ही होता, ठीक है। तो पहला आपने वर्ड सीखा, दूसरा वर्ड ग्रामर, जी आर ए डबल एम ए आर, वेखो कि गलती ना ई तो नहीं आ गई, कई कैमरे साडा शो कर रहे भी कई ने ई पाई है, साडा कैमरा गलत तो नहीं हो सकता, हुण ग्रामर च ई पाई होनी कई ने, जिन्होंने ई पाई है वह जरा दसना, हाँ थोड़ी कॉपी पकड़ी गई है ना, हम देख लेते दूर से, जिन्होंने ई लिखा है दे आर कॉस्ट, वेरी गुड, आई फील यू हैव ऑल करेक्ट आंसर्स, यू हैव ऑल करेक्ट आंसर्स, यू विल बी वेरी वेरी गुड, डोंट वरी अबाउट दैट, आई नो थिंग्स आर मूविंग, अरे पहले नहीं लिखना, प्लीज 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 प्लीज, नो टाइपिंग बिफोर यू डू इट, नॉट अलाउड, डिलीट कर दो मैसेज अगर हो सकता है तो, हमें यहां सिखाना है, ठीक है। थर्ड वर्ड हैबिट, H A double B I T, habit. Okay, 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 Veerpal, thank you very much. ठीक है ठीक है ठीक है, habit, कईयां दी हो सकता साडा कैमरा शो कर रहा भी कईयां ने डबल बी पाई है, डबल बी गंदी आदत होंगी है, मतलब ये कोई स्पेलिंग होते ही नहीं है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना गंदी आदतों से बचो, तो डबल बी गंदी आदत, मतलब क्योंकि स्पेलिंग ही नहीं है, तो सिंगल बी, डबल बी कभी भी नहीं होती, तो जिन्हें गलत हो गया ठीक कर लेना, डबल बी नहीं आएगी कदे भी, सिंगल बी आएगी, वेरी गुड, जिनका ठीक है। फोर्थ वर्ड में ऊपर जा रहा हूं लिखने के लिए, जगह कम है, तो नेक्स्ट वर्ड, रैबिट में डबल बी होती है, हॉबी में डबल बी होती है, लेकिन हैबिट में डबल बी नहीं होती, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ, फोर्थ वन फॉर यू, डेफिनेशन, डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन, डेफिनीशन, साडा कैमरा शो कर रहा भी कई ने ए पाती, देखो साडा कैमरा, मैं तो कहना गलत ही हो गए, कई आई है कहीं डेफिनेशन तो नहीं लिख दिया, हाँ आ गया सिमरन कहती आ गया, तो डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनीशन होता है, डेफिनेशन तो कभी कोई वर्ड ही नहीं है, इफ यू प्रोनाउंस इट डेफिनीशन तो वो ठीक होगा, देखो नीशन प्रोनाउंस करोगे तो आए आएगा, नेशन प्रोनाउंस करेगा तो ये आएगा, अच्छा पहले सही था फिर गलत कर दिया, तो डेफिनेशन ही बोला था मैंने, निशा नेशन तो बोला ही नहीं था, डेफिनेशन होता है, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज रिसीट, तो फिफ्थ वर्ड यहां लिख रहा हूं, आर ई सी ई आई पी टी, अगर मैं शायद रिसिप्ट बोलता तो कईयों का ठीक हो जाता, दिस इज रिसीट, वेरी गुड आरजू, अच्छा मीनाक्षी गलत हो गया, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव लर्नड अ न्यू वर्ड टुडे, अच्छी बात है अंजलि, वेरी गुड, आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू बी ऑन ट्रैक ऑल द टाइम, गलत होना ही नहीं चाहिए, तो ये रिसिप्ट नहीं है वर्ड, जो तुम रिसिप्ट बोलते हो तो रिसिप्ट बोलना छोड़ दो, दिस वर्ड इज रिसीट, द प्रोनंसिएशन इज रिटन ओवर हियर, हाँ लिखा था, दिस इज कॉल्ड रिसीट, ठीक है, तो इसे रिसीट बोलते हैं। हाँ जी, तो लास्ट वर्ड असैसिनेशन, ज्यादा तो नहीं लंबी कहानी सुनाऊंगा, छोटी सुनाऊंगा, एक टीचर बच्चे नूं स्पेलिंग सिखा रहा सी,
कहिंदा बोलो गधा गधे के पीछे गधा गधे के पीछे मैं मेरे पीछे सारा देश कहते सर एक स्पेलिंग ने कहता लिखो यार परवाह क्यों कर दो तो फिर गधा गधे के पीछे गधा गधे के पीछे मैं मेरे पीछे सारा देश तुम यही याद करोगे तो स्पेलिंग लर्न हो जाएंगे गधा गधे के पीछे गधा गधे के पीछे मैं मेरे पीछे सारा देश एंड इट बिकम्स असैसिनेशन। हुण इह स्पेलिंग कदे गलत नहीं होंगे क्योंकि वेल डन शिवाली जिनके सभी ठीक हैं। द बेस्ट वे टू रिमेंबर अ स्पेलिंग जब कोई नॉलेज नु परमानेंट करना है ना तो उन्हें कोड कर दो। अब ये असैसिनेशन के स्पेलिंग पहले मुश्किल हो सकते सी लेकिन हुण गधा दूजा गधा मैं आई एंड नेशन इट बिकम्स असैसिनेशन टू मर्डर समवन फॉर पॉलिटिकल रीजन। साजिया के चार करेक्ट थे कोई बात नहीं है चार में छे। अब ये देखो आपने दो नहीं सीखे और जिन्हें छे दे छे ठीक ने मैं तो उन्होंने वड्डी सारी स्माइलिंग पॉजिटिव टॉफी आइसक्रीम आपके पास पहुंच गई है फील करो आप। चलो जिन्हों के चार पांच भी ठीक है वेरी वेरी गुड। पूजा ओनली वन करेक्ट तो पूजा आपके लिए उससे भी बड़ी आइसक्रीम पता क्यों क्योंकि ये शब्द थोड़े सामने कई बार आने से ते उदो गलत होंदे सानू एम्बेरसिंग फील होंदा लेकिन आज आपने नए पांच वर्ड सीख लिए तो वेरी गुड तो कंग्रेचुलेशन जी जिन्ना दे तीन चार पांच छे जो भी ठीक सी अलका दो थे तो अब आपको चार मिल गए ने तो टू प्लस फोर आज आप छे। देखो आप इतनी इनकम जब बैंक में भेजो ना तो सात साल बाद डबल कर देने तो असी तो तीन गुणा कर दी एक मिनट जी वी हैव मल्टीप्लाइड इट थ्री टाइम्स सो दिस इज हाउ नॉलेज ग्रोज अप। ठीक है आज ये यही नहीं करवाना है आज तो आपको ये इंट्रोड्यूस करना था। अब शुरू होगा आपका आज का टॉपिक आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। रोज तो मैं नवी नवी चीजें दसांगा जड़िया एक पांच मिनट का एक थोड़ा सैशन रहेगा जिंदे इंट्रोडक्शन इस तरह की जाएगी कि आपको कुछ नया सिखाया जाएगा। ठीक है हाँ बिल्कुल पिक्चर तो अभी बाकी है क्लास अप टू एट परिणास आठ बजे तक चलेगी तो लेट्स स्टार्ट जी आज की क्लास को शुरू कर। हुण तुसी लिखना नहीं प्लीज रिक्वेस्ट होएगी अब नहीं लिखना आपने। ठीक है अब आपको सिर्फ सुनना है जदों मैं कहां भाई तुसी लिखो आंसर दो उदो आंसर कोई बात नहीं है हम बर्थडे इकट्ठे मनाएंगे कोई गल नहीं। ठीक है जी अब लिखना नहीं है अगर आज टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम कल करेंगे जिन्नी देर आप लग सकती जो तक समझ नहीं आता असी ओनू अगे नहीं पजावांगे नहीं आराम नाल चलांगे। ठीक है हुण तुसी सुनना है रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड है बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये आपको मिलेगी क्लास। हाँ जी लेट्स स्टार्ट नाउ आज का टॉपिक आर्टिकल्स बड़े आराम नाल चलांगा भावे आज ना भी कंप्लीट होया मैं कल भी कंप्लीट कर सकना नो प्रॉब्लम विद दैट। हाँ जी सुनो जदों भी आर्टिकल्स सामने आ जांदे ने ना तुहाडे तो अक्सर थोड़े सामने पांच लैटर आते हैं ए ई आई ओ यू ये अक्सर हम बोलते हैं फिर आप वर्ड्स बोलने लग जाते हो ऑनेस्ट होएगा। ठीक है ऐसे वर्ड लेकिन पहली चीज जी सीखनी है आर्टिकल इज नॉट अ मैटर ऑफ वर्ड्स। आर्टिकल्स विच शब्दों का कोई लेना देना नहीं होता आर्टिकल इज अ मैटर ऑफ साउंड। असी किसी शब्द का किवें उच्चारण करांगे उनके ते डिपेंड है आर्टिकल। जब आप पढ़ाने भी जाओ ना आगे ये मत कहो कि ए आई ओ यू लगे होंगे जिते एन लगा दो तो अ लगा दो ये कोई आर्टिकल करवाने का तरीका नहीं होता। यू शुड नो हाउ टू रिलेट इट टू द स्टूडेंट्स बच्चे नु किवें दसने ते नॉलेज नु परमानेंट किवें करना है बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके चलना है जैसे मैं आज आपके लिए करने वाला हूँ। तो याद रखना आर्टिकल्स दे डोंट डील विद द वर्ड्स एक्चुअली इट इज अ मैटर ऑफ साउंड। शब्द नु किवें उच्चारिया जाएगा उनदे ते डिपेंड करता है। तो देखे लिखना नहीं है नाल नाल लिख के आपकी स्पीड नु टेस्ट ना करे अजे मैं तुहानू पीपीटी भेज दूंगा उनदे चो चेक कर लिख लेना बाद च। अब इसकी डेफिनेशन देखें द डेफिनेशन सानू ये कहंदी है बेसिकली आर्टिकल्स बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। तुसी इहनू एडजेक्टिव बोलो कोई गल नहीं दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव यानी कि विशेषण विशेषण कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं क्योंकि नंबर है ना अ एन आपको नंबर बताएगा तो पहली गल याद रखना है कि ये साउंड नाल मैटर करता है वर्ड्स नाल नहीं ते ये विशेषण होते हैं दीज आर कॉल्ड
बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। दूजी गल, साडे कोलो दो तरह के आर्टिकल इनू टाइप्स अगर देखिए तो दो हो जाएंगे साडे कोलो। वी हैव टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। लेकिन वाई दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट, इन्हों इनडेफिनेट क्यों कहने हैं सानू पता होना चाहिए। रीजन द असी इसलिए कहने हैं डेफिनेट भी जिथे द नू यूज कर रहे ना उतों नू हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप कहते हो द सन ये डेफिनेट है, लगना ही लगना, मस्ट है, ये लगेगा ही लगेगा। तो द सन, क्योंकि हुण आर्टिकल एन इनडेफिनेट क्यों है, अगर ये वर्ड एन एलिफेंट है ठीक है, लेकिन एन लगेगा, लेकिन अगर असी इत्थे एलिफेंट्स कर दिए, अगर मैं बोलूं एलिफेंट्स तो ये जो एन है वो यहां से हट जाएगा। दिस इज वाई इस वास्ते असी इन कहने इनडेफिनेट है, इनू जिथे लगाया जा सकता उतो हटाया भी जा सकता। डेफिनेट आर्टिकल वो होंगे ने जिथे असी आर्टिकल द लगावे ना तो हटा नहीं सकते, डेफिनेट है बस लगना ही लगना। इनडेफिनेट वो जिस जगह से आर्टिकल लगाया तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि एन एलीफेंट है तुहानू पता है, लेकिन है इनडेफिनेट है क्यों, जो वर्ड हो गया एलीफेंट्स तो एन असी लगावे नहीं लगावे तो फिर एन हट जाए उदो असी नहीं लगावे। अकॉर्डिंग टू द पहली चीज ये क्लीयर करनी सी कि डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल अ, एंड। नेक्स्ट हुण तीन चीजां तुसी याद रखनियां ने, कोई भी आर्टिकल किते जांदे ने ना तो वी नीड टू रिमेंबर थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग तो मैं याद करा दिया, ऑल्दो ये तीनों दे विच इंक्लूड होएगी, आर्टिकल इज नॉट ए मैटर ऑफ वर्ड्स, इट्स ए मैटर ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब देखे किहड़ी किहड़ी तीन चीजें याद रखनियां ने, थ्री थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट आर्टिकल्स। नंबर वन, जदों भी तुसी हुण मैं इत्थे इनडेफिनेट आर्टिकल की गल कर रहा, एक चीज तुहानू याद करा दें बस, इत्थे इनडेफिनेट आर्टिकल ठीक है, यहां मैं डेफिनेट की बात नहीं कर रहा हूं, अब इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा हूं। माइंडेड जिहड़ी तीन चीजा मैं कह रहा याद रखनिया ने इनडेफिनेट बारे में। वन, जो भी तुसी अ ते एन दा यूज करोगे ठीक है, याद रखना वह चीज काउंटेबल होनी चाहिए। एक्सेप्शन की ने बाद दिखावांगा। अगर आप देखो काउंटेबल, अगर वर्ड है आपने अभी यूज करा, हमने वर्ड करा एलिफेंट, काउंटेबल है तो आपने एन लगाया, क्योंकि एन का मतलब की है एक, अ का मतलब की है एक, मतलब उनकी गिनती होनी चाहिए। जो ब्लैंक्स तो बाद वर्ड देखो इट शुड बी काउंटेबल, कितने नहीं होएगा काउंटेबल वो एक्सेप्शन तो अलग दसा, मतलब गिनती अगर नहीं होंगी जिमें वर्ड आ गया एयर हवा तो तुम कहोगे अ आर्टिकल है तो एन लगा दिए, कुछ भी नहीं लगना, इतने क्रॉस लगेगा क्योंकि एयर की गिनती नहीं हो सकती, असी यूज नहीं करेंगे। सेकंड, इट मस्ट बी सिंगुलर, जब आप अ और एन का यूज करते हो ना जिसके लिए भी, उसकी जब गिनती करते हो तो वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि अ का मतलब ही एक है तो एन का मतलब भी एक है। तो अब पहले क्या थी, एलिफेंट एक तो ज्यादा हो जाएगा तो असी यूज नहीं करेंगे। एंड नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड, जिहड़ी तुहानू पहली गल कही कि आर्टिकल तो एक्चुअली देखा जाए ना तुम वर्ड नूं प्रोनाउंस किवें करदे हो, उहदे नाल ही डील करदे ने सारे ठीक है। दो स्टार क्यों लगे ने, क्योंकि इहनूं अगों एक्सप्लेन किया होया, इहदी पूरी डिटेल दित्ती हुई अगे तुहानू दस्सां मैं। ठीक, तीन चीजें आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए याद रखनी, तो इहनूं थोड़ा जिहा अगे डिटेल च दित्ता होया तां इहदे डबल स्टार लगाया। हाँ जसविंदर, देखो मैं हुण इत्थे इक लिखना, दिस इज डैश एलीफेंट, एक ये वाला लिख देता हूं, वैसे तक एक्सप्लेन किया है, दिस इज डैश बुक ठीक है। हुण एलीफेंट दी आपां पहले की क्या सी, गिनती होनी चाहिए है, गिनती हो रही है क्योंकि एलीफेंट गिन सकते हैं, लेकिन होना इको चाहिए है, सिंगल होना चाहिए है। दिस इज एन एलीफेंट क्योंकि एक है, मान लो अगर मैं इतने एलीफेंट्स कहता जां मैं इतने कह दें इतने कह दें बुक्स कर दिए, आर करके बुक्स कर दिए, तो की तुसी अ जैन लगाओ कि आप एक सेंटेंस लिख ही लें, दीज आर डैश बुक्स। तो क्या जसविंदर आप इतने आ लगा सकने हो, नहीं लगा सकेंगे, क्यों, क्योंकि इतने बुक्स ज्यादा नहीं, सिंगुलर होना चाहिए। दिस इज एन एलीफेंट, दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स, इतने कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब अ फ्यू या कुछ होर लावे लेकिन गिनती नहीं हो सकती।
ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैसे अगर डिटेल दिती हुई है ना दी, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन सी। हम एक क्वेश्चन पूछने सारे ने, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश? हाँ जी, क्विकली आंसर नाउ, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश? वेरी गुड, दो जो नो, आंसर रहता 26 नहीं है, अगर 26 होता तो बेटा सोका पूछना ही नहीं सी। प्रभजोत 44 साउंड्स है, ठीक है, जेडे अल्फाबेट होंगे ना वो तो एक ही होंगे, अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ, व्हाट इज अल्फाबेट एक्चुअली, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट, तो अल्फाबेट ना पूरे ग्रुप नु असि एक ही होंगे, 26 लेटर्स होंगे ने, ठीक है, अल्फा याद रखना, करेक्शन च भी याद करा दिया तुम्हें, अल्फा जरा अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट्स कदे भी नहीं होंगे, अगर तुम करेक्शन आ जाए ना वर्ड कदे अल्फाबेट्स है तो गलत है, वर्ड होंगे अल्फाबेट, तो अल्फाबेट इज जिवें पंजाबी विच 35 लेटर्स ने, अपन पंजाबी भाषा उन्होंने 35 कहने, हम उड़े नु 35 थोड़ा कहने, एक्चुअली ग्रुप ऑफ 35 लेटर इज नोन एज 35, हाँ तो वो 26 लेटर्स है इसलिए। तो हुण देखी जी अपने कोल की है नवा, हुण काउंटेबल दी पहले आप परिभाषा देख ली, फिर साउंड दी देखांगे, हुण जिहड़ी जसविंदर ने क्वेश्चन पूछा सी सारे वास्ते है काउंटेबल, हुण देखो तुहाडे से एग्जाम्पल है, अगे तुसी एक प्रैक्टिस भी करोगे, मैं लिखा दिस इज अ चेयर, हुण आप पहले देखिए काउंटेबल है चेयर काउंटेबल है, ठीक है, अ ते एन दा डिफरेंस और मैं बाद में दसांगा, एन दा भी अगे करांगे, पहले सिर्फ आप देख ली कि काउंटेबल है तो चेयर काउंटेबल है, अ ते एन दा फर्क असि बाद में सीखांगे, ठीक है, तो काउंटेबल है इसलिए अ का यूज करा, सिंगुलर है चेयर एक ही है सिंगुलर भी है तो असि अ यूज किया, एन दा तुहानू पता ही है असि किहड़िया साउंड वास्ते यूज करने हैं, वो तुहानू मैं अगे डिटेल ही दसांगा, इत्थे सिर्फ एक एग्जाम्पल से। हुण एक्सैप्शन की है, मैं तो वर्ड पाया एक्सैप्शन, एक्सैप्शन की है ओनो देख लो, एक्सेप्शन में हम क्या देखेंगे, डोंट मेक डैश नॉइस, ही इज इन डैश हरी, हुण दसो भी इत्थे अ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, शुड आई प्लेस अ क्रॉस लगाइए कि अ लगाइए, अब आप कहते हो अ लगाओ लेकिन हमारा रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, रूल तो फॉलो ही नहीं होता पिया क्योंकि सिंगुलर इतने गिनती इन्हों की होंगी नहीं, अकाउंटेबल है नहीं, फिर असि अ ते एन क्यों लगा रहे हैं परिनाज, लेकिन दूसरा तो नेगेटिव नहीं है ना, पहला सेंटेंस नेगेटिव है मान लिया, दूसरा तो नेगेटिव नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, एक चीज याद रखा थे इन इंग्लिश देर इज नो परफेक्ट रूल टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि तुहानू एक्सैप्शन मिलनगे मिलनगे, मैं एक्सैप्शन क्यों लिखा सी, इत्थे काउंटेबल है लेकिन जो वर्ड आ जाएगा नॉइज हरी, इस सेंटेंस एवें ही फ्रेज बने हुए क्योंकि कोई काउंटेबल डायलॉग फॉर्म में नहीं है जिंदे असी अ लगाना पवे ना लगाना पवे, तो डो नॉट मेक अ नॉइज ही इज इन अ हरी, हाँ जचदा है यही कह लो, गुनगुन इसमें काउंट क्योंकि हमने कहा काउंट होना चाहिए लेकिन दीज आर एक्सेप्शंस, डू नॉट मेक अ नॉइस, हुण अहीं नहीं कहिंदे कि शोर ना करो, तां शोर ए लगेगा लगेगा, ही इज इन अ हरी ए लगे एक फेज है एक एवें ही रहेगा हमेशा, इहनूं कदे भी असीं बदल नहीं सकते, तो इसलिए डू नॉट मेक अ नॉइस ही इज इन अ हरी एक एक्सेप्शन है जिहड़ी हमेशा तुहाडे सामने आंदी रहेगी लेकिन सानूं पता होना चाहिए इत्थे रूल फॉलो साडा नहीं होएगा। थैंक यू, हुण अगे देखिए आपां एक्सेप्शन तो मैं तां उन्हें दिखाती, अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट वी कैन काउंट, जिन्हां दी असीं गिणती कर सकते हैं, प्रिया ये क्लास 8 बजे तक चलेगी, हाँ जी वीरपाल इसको कर देता हूं, देखो वीरपाल असी क्या सी अ चेयर, क्योंकि अ ते काउंटेबल होना चाहिए चेयर काउंटेबल है, ठीक है, लेकिन कई एक्सेप्शंस की ने, गिनती होनी चाहिए सिंगुलर होना चाहिए मैं रूल दस्या सी, लेकिन दो सेंटेंस है वे गए
डोंट मेक डैश नॉइस, हुण इहदे विच जिहड़ा रूल है फॉलो नहीं किया जाएगा, सेंटेंस बनेगा डू नॉट मेक अ नॉइस, क्योंकि ये एक फ्रेज है ऐसे ही यूज होगा, इसमें आप अ नहीं हटा सकते, ऑल्दो नॉइस काउंटेबल नहीं है, सिंगुलर वाला कोई अंदर ऑप्शन नहीं है, लेकिन डोंट मेक अ नॉइस यूज होएगा, ये एक एक्सेप्शन है, ही इज इन अ हरी वो जल्दी में है उनके भी अ यूज होएगा, अदरवाइज जो भी अ यूज करोगे ना उनकी गिनती होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए, एक तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेडिंग नेक्स्ट नाउ, मेरे को लगता है आज हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल ही कर पाएंगे, डेफिनेट कल ही होगा क्योंकि क्लास नहीं तो 2 घंटे चल जाएंगे, हम 8 बजे तक ही करेंगे। हुण दूजा जी काउंटेबल वाला, सिंगुलर ते साउंड वाला, हुण साउंड वाला तुहानू समझाना है इत्थे मैं, ओ साउंड वाला की है, आ जाओ। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन भी आपां क्लीयर कर रहे ने तो सारे ही आंसर करेंगे, क्योंकि सारों का सारे नूं पता हुंदा पीटेट क्लीयर करन तो बाद किन्नियां साउंड हुंदियां ने वो आपको बताऊंगा मैं, जिहड़ियां तुहानू 2 एक्सेप्शन दित्तियां ना, हर चीज क्लीयर करांगा तुहानू जदों इह तुहाडा खत्म हो जाएगा ना, थोड़े डाउट रहने ही नहीं, थोड़े मैं इन्ने एग्जाम्पल देंगे इसका। तो साउंड्स टोटल कितनी है, 44, सिर्फ तुसी इन्ना ही आंसर करना जिन्हें मैं पूछा, हुण इहदे सिर्फ तुसी कंसोनेंट ते वाउल साउंड दसनी है, और शॉर्ट ते लॉन्ग नहीं दसना, ठीक है। वाउल साउंड कितनी है, 20, कंसोनेंट साउंड कितनी है, 24, बस दिस इज एनफ फॉर अस, वेरी गुड वेरी गुड। तो 20 वाउल साउंड, 24 consonant sound, make a number that becomes 44. Letter 26 ने, लेकिन sound 44 ने। हुण जरा ध्यान नाल सुनना। Articles actually मैं तुहानू कराना चाहवां ना, दो short तरीके नाल ही करा सकना, short test। प्रिया यहां से आके नहीं जाना, मैं बस रुक जाओ। फिनीम्स और इसको रुक जाओ। ग्रामर की क्लास में हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें बस इतना ही चाहिए था। हुण सुनो। आर्टिकल नू करन दे सिर्फ एक ही तरीका, दो तरीके नाल, मतलब एक तरीका उसके दो भाग, किवें जदों तुसीं एन लगाना, इनडेफिनेट आर्टिकल दी गल कर रहा, ओ वाउल साउंड होनी चाहिए, ते जदों तुसीं अ लगाना कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए, तो तुहाडे जिहड़े इनडेफिनेट आर्टिकल ने ना कंप्लीट हो जाते हैं, भावें मैं अगे तुहानूं दस्सा ही ना, लेकिन मैं डिटेल पूरी बताऊंगा आपको। आर्टिकल्स करने का सबसे अच्छा तरीका इनडेफिनेट आर्टिकल करने का बोल रहा हूं, ठीक है, जिथे वाउल साउंड आ जाए एन लगा दो, जिथे कंसोनेंट साउंड आ जाए अ लगा दो, कहने का मतलब जिथे स्वर की आवाज आ जाए पंजाबी विच एन दा यूज किया जाएगा, जिथे व्यंजन की आवाज आ जाएगी अ यूज किया जाएगा। हुण देखना आ चीजां नूं तुसीं याद रखना है, हुण देखना किवें ईजीली सोल्व होएगा सारा। साउंड देखनी है आपने, मैं तुहानूं पहले कहता वर्ड नहीं देखना, तुसीं साउंड देखनी, तो देखो हुण अगे वाउल साउंड डिवाइडेड इनटू वाउल एंड कंसोनेंट, यानी कि स्वर ते व्यंजन। स्वर साडे कोल हैगे ने 20, कंसोनेंट साउंड हैगे ने साडे कोल 24, साउंड नॉट स्वर, ठीक है, स्वर की है जो आवाज, वाउल साउंड 20, कंसोनेंट साउंड 24, एन लगावांगे असी वाउल साउंड ते, कंसोनेंट ते असी अ लगावांगे। तो देखिए हुण अगे चल के नू डिटेल च, आ साडे कोल 5 लैटर, 5 लैटर जिहड़े साउंड प्रोड्यूस करनगे, ठीक है, वाउल साउंड, ठीक है। हम सुनना ध्यान नाल, हुण इंपोर्टेंट चीजें शुरू होणगे तुहाडे लई, ते तुहाडा टेस्ट लवांगा छोटा जिहा। ए ई आई ओ यू, पहली गल आपां 2-3 वर्ड लभी जिन्हां विच 5 लैटर आंदे ने, बोल सकदे हो किहड़े किहड़े हैगे, मतलब लिख के दस सकदे हो, जे 5 लैटर्स कुछ वर्ड हैगे ने जिन्हां दे विच 5 वाउल्स आ जांदे ने, जिन्हां नूं वाउल तुसीं कह रहे हो एक्चुअली लैटर्स ही ने, वेरी गुड। एक तो एजुकेशन में आ जाते हैं, और किस में आते हैं, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर CAULI कॉलीफ्लावर, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, थैंक यू ज्योति। यूनोमिया, ओह वेरी गुड, यू हैव गिवन अस अ न्यू वर्ड। प्रोक्लेमेशन में यू नहीं आती परिनाश, तो चलो बस इन्ना ही है, ज्यादा नहीं आपां नूं जीके नूं ज्यादा नहीं खिलारना, हुण आपां अगे चलिए बस। अब देखो क्या मैंने लिखा, फिर इसको डिटेल अगली स्लाइड में हम डिटेल करने वाले हैं। यूजिंग आ और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगिंस
द नेक्स्ट वर्ड और एंड डिपेंड करते ने उस साउंड पे दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड। जो शब्द शुरू होता है ना ब्लैंक्स के बाद उनते ते डिपेंड करता है कि असी अ लगाना है कि एन लगाना। अगर वो वाउल साउंड है तो एन लगा देना, अगर वो कंसोनेंट साउंड है तो अ लगा देना। हुण करदे आ इनू डिटेल च, फिर लवांगे तुहाडा टेस्ट। चलो शुरू करदे आ। पांच लैटर तुहाडे सामने लिखे हुए ने, लेकिन जिन्हों बोल्ड करके बहुत वड्डा कीता होया। असीं पहले उनकी साउंड की गल करांगे। आ वाले यू, अगर यू की आवाज य आई तो समझ लेना वह कंसोनेंट है, मतलब असीं इहदे अगे अ लगावांगे। अगर इहदी आवाज अ ते ऊ आई, ठीक है, जिवें असीं अगे तो लिखांगे। जिहड़े पंजाबी दे स्वर ने, छोटी गल, पंजाबी ते हिंदी दे स्वर ने, अगर यू की साउंड स्वर की रहेगी तो एन लगेगा, अगर यू की साउंड यानी कि वाई होगी तो अ लगेगा। अभी आपको सेंटेंस दिखाता हूं, देखो, वेट करो, तुसी भरने ने, चार एग्जाम्पल ने तुहाडे सामने, फिर इन मैं तुसी हुण चार इन्हां दे आंसर दे सकदे हो, फिर मैं तुहानू एक्सप्लेन करांगा क्यों। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, सारी एग्जाम्पल देंगा, इतने सारे अपने आंसर लॉक करके इतने लिख के टाइप कर सकते हो। तुसी वेरी गुड, कीप ऑन टाइपिंग, आई विल गिव यू 30 सेकंड, 30 सेकंड दूंगा मैं आपको, टाइप करते रहो। हुण इन्हां दे आंसर मैं लिखांगा ते नाल इन्हां दा ही एक्सप्लेनेशन ते चलांगे वी आ क्यों होया। वेरी गुड, शाबाश। तो अब जरा देखते हैं क्यों। फर्स्ट, अब मैंने क्या कहा था कि आपां इहदी आवाज नूं देखणा है, अनटाइटल। अगर तो आप इसे अनटाइडी प्रोनाउंस करोगे, अन अ साउंड आएगी, एक स्वर की आवाज आएगी, तो मैं तुम्हें कह भी आर्टिकल शब्दों का खेल नहीं है, ये शब्द नूं उच्चारण किवें कीता जाएगा, अनटाइडी। एन, अगर तुम वर्ड नूं यनटाइडी प्रोनाउंस कर दो तो फिर अ लग जाएगा, क्योंकि साउंड तो अन है। अब सेकेंड में अम्ब्रेला, पंजाबी विच साडे कोल हैगा ना अ साउंड, अम्ब्रेला, तो की लगना चाहिए एन। हाँ जी, थर्ड, अब थर्ड साउंड को देखो। हुण पता कि कई स्कूलों च की सिखाया जाता है, जिथे आप पांच लैटर आ जाए ना एन लगा दिया, ते सारी इंग्लिश दा बस की करवा, उन्हें कवरे च गढ़ दिता जाता है। दिस इज कॉल्ड इन एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर वैन दीज थिंग्स आर हिंटेड, कि पांच आ लैटर आ जाए तो बस तुम एन लगा देना, क्योंकि उन्होंने कई बार लगता है बच्चे छोटे ने, इन्होंने पता नहीं लगना, लेकिन एक्चुअली अगर आप उसको क्लैरिटी दोगे ही नहीं तो समझने के किवें, तुसी दसो उन्होंने, ठीक है। अब देखो, दिस वर्ड इज प्रोनाउंस एज यूनिक, एक्चुअली इट गिवस ए वाई साउंड, य की आवाज जी वाई की साउंड है। आप पहले क्या, अगर यू की आवाज य निकली तो असं इन कंसोनेंट साउंड होगी, तो इतने की लगावे अ। हुण अगर आप सीधा दस होता भी यू नू देख के एन लगा दो तो बच्चों ने तो फिर गलतियां करनी करनी है। अब सेकंड में देखो, इफ इट इज प्रोनाउंस एज यूनिवर्सिटी तो फिर एन लगा दो, बट दिस इज प्रोनाउंस एज यूनिवर्सिटी य। आई होप हुण तुहानू समझ आ गई होगी क्यों असीं कहने कि एक शब्दां दी खेड नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट साउंड, डिपेंडिंग ऑन द साउंड। इफ इट इज ए वाउल साउंड एन लगाओ, इफ इट इज ए कंसोनेंट साउंड तो फिर इन देखे तुसी अ लगाओ, ठीक है। अभी तो बहुत क्लियर करना है, अभी तो इसकी एक एक लेयर को। हाँ जी कृष्णा, ये देखो, इस वर्ड को प्रोनाउंस करके बोलो, घर पे बोल के देख लो, आप इसे प्रोनाउंस करोगे अनटाइडी, एड़े की आवाज आएगी, अ की आवाज आप करोगे। जो हिंदी और पंजाबी के स्वर हैं उनके, देखो, वाउल के लिए हम एन का यूज करेंगे, यानी कि जड़ी स्वर की आवाज है, कंसोनेंट के लिए हम अ का यूज करेंगे जो व्यंजन है। थैंक यू शिवांकी। तो देखो कंसोनेंट, हम तुसी के शब्द देख दो, शब्द नहीं देखने, तुसी ये देख दो भी शब्द नु उच्चारण किवें कीता जाएगा, इट्स ऑल अबाउट द प्रोनंसिएशन, अटरेंस। हुण इहनू असीं कीता अनटाइडी, तो अनटाइडी है तो एन लगा, लेकिन यहां पर देखो यूनिक य साउंड आई, य दे नाल तां य तां इक साडा व्यंजन है, ते व्यंजन नाल असीं
थोड़ा लगावांगे, सॉरी एन थोड़ा लगावांगे, अ यूज करता था। तो एन अनटाइडी, एन अम्ब्रेला, बट अ यूनिक, क्योंकि इतने आवाज अ दी सी, लेकिन इतने आवाज की होगी य दी। तो यूनिवर्सिटी, कृष्णा अगर आप इसे यूनिवर्सिटी बोलो तो एन लगा देना, एन यूनिवर्सिटी, लेकिन वो हमें पता है होता नहीं है तो कट जाएगा, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि साउंड जो है य है, यानी कि वाई साउंड है। हाँ बस वर्ड के साथ ही, अभी तो और क्लियर करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अभी तो इसके बहुत स्टेप है, 8 बजे तक इंडेफिनेट ही होगा, आराम वाली चलेंगे अपन। हाँ जी, अब फिर देखो, अब आपके लिए मैंने जो लेटर बोल्ड करा है वो है ओ, फिर हमें साउंड ध्यान रखना है। अगर इन दी साउंड जिवें तुसी कह रहे हो अ दी आ जाए, जिवें पंजाबी दे स्वर ने, ता एन लगाना है, और अगर इसकी आवाज बदल जाए यानी कि वी यानी कि वव्वा व साउंड आ जाए तो अ लगा देना। तो हाँ जी अंजलि कुछ लिख रही है, थोड़े दिन पहले एक वर्क किया सी उसका सब टाइटल एन स्टोरी का कुछ होते, हाँ ये बताऊंगा आपको मैं, ये अभी नहीं बताता, आप कई जगह हिस्टोरिकल या कई जगह क्यों इसे हिस्टोरिकल बोला जाता है, कई जगह से पढ़ोगे तुसी इन दी डिटेल जरूर है, कई जगह पे आप इसे देखो अ हिस्टोरिकल है, लेकिन सम टाइम दे मेंशन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल भी वर्ड है जी, प्रोनंसिएशन इसकी, वो तो असि एन लगा देंगे। गुड पॉइंट अंजलि, हाँ जी ये चारों के आंसर भर जाए जरा जल्दी ना, एनू क्लियर करिए। हाँ पूजा भी इसके आंसर भरो, आप देखो क्या आएंगे। बस वैसे वर्ड नून प्रोनाउंस करके देखने, शब्द नहीं देखने। हाँ एंड साउंड बदल गई, हाँ साउंड बदल गई तो बदल गए। हाँ जी वेरी गुड ऑल ऑफ यू, नाउ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो आप, सबके आंसर ठीक हो रहे हैं, वेल डन रुचि, शाबाश। देखो आई ब्रॉट एन ऑरेंज, ऑरेंज एन ऑरेंज, वैसे भी ऑरेंज वर्ड बहुत सुना हुआ आपने, आउल एन आउल, लेकिन इतने आवाज की बन गई वन व साउंड, तो असी कंसोनेंट लई कदे भी एन का यूज नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट अ वन रूपी नोट। नेक्स्ट में आई सा वन आइड मैन, आई होप जिन्होंने हूं डाउट से और क्लियर हो गया उनके। देखो मैंने बार बार ये कहता रहूंगा टिल एंड कि ये शब्दां की खेल नहीं है, साउंड वर्ड प्रोनाउंस कैसे किए जाएंगे डिपेंड उसी पे करेगा। वन पे चेंज हो गया और आउल पे अलग है, दोनों उन्होंने आप कह दिए भी और लई एन लगेगा तो गलत हो जाएगा ना, हम ये नहीं कह सकते। हाँ देखो साउंड अलका बात यही है ना, ये गलती इसलिए क्योंकि साउंड अगर आपको क्लियर हो गई, क्योंकि सारे नु की किते शब्द रटा देते जाते हैं, शब्दों का खेल तो है ही नहीं ये, एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू अटर अ वर्ड, हाउ यू प्रोनाउंस अ वर्ड, शब्द किवे प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण की होगा उनके। ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ साइलेंट लेटर्स, ठीक है ये आपको आते हैं, ठीक है इन दे विच तुहानू पता है, क्योंकि जिहड़ी बाकी तीन तुहानू मैं नहीं विखाए ना ए ई ते आई, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है वो वैसे आप लगा सकते हो, अगे थोड़ी डिटेल हो रही है। तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि आपा एच साइलेंट है, इन्हें होनेस्ट नहीं कहते, ऑनेस्ट कहने हैं, तो ऑनरेबल है, होनरेबल नहीं है, ये है। तो सबके लिए एक बड़ी स्माइल, आप चीजों को समझ गए तो, लेकिन आइसक्रीम अभी मैं आपको नहीं दूंगा, ये अब आपके वो तब मिलेगी अगर आप आगे वाले स्लाइड को क्लियर करते हो। तो हम 6 सेंटेंस दे रहे हैं उनमें, ठीक है हूँ एक रिक्वेस्ट है, 2 स्लाइड तो मैं दिखावांगा जिंदे विच 3-3 सेंटेंस होंगे, ठीक है अब आप यहां पर टाइप नहीं करोगे, अब यहां पर टाइप नहीं करोगे, अपनी नोटबुक पे लिखोगे, मैं तुम्हें तो पूरी स्लाइड 37 सेकंड से दिखावांगा, 30 सेकंड से 7% जीएसटी लगे हुआ है, 37 सेकंड वो स्लाइड रहेगी, नेक्स्ट स्लाइड भी 37 सेकंड दिखाऊंगा, फिर इसके आंसर नोटबुक से लिखने ने इतने टाइप नहीं करने, ठीक है चलो अब शुरू करते हैं, अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो ये है प्रैक्टिस अब आपकी, यहां नहीं लिखना, जिसने लिखा उसकी आइसक्रीम कैंसिल, हाँ सही गल है, हुण शिवाली थोड़ी तरक्की होगी, तेनू मिल लिया ना अज 10 सेकंड की तरक्की होगी।
हाँ बस लिख लेना, मैंने तो, कोई बात नहीं, आपको जल्दी है, कई बेचारे बड़े आराम नाल करेंगे, असं आराम नाल ही चलेंगे। 37 सेकंड तक ही चलेगी अब ये, 27 प्लस 10। हाँ तो लिख लो, जल्दी ना करे जे, जल्दी ना करे जे, बाद कहोगे ओहो मैं तो देखा नहीं, ऐसे नहीं करने दूंगा मैं। 15 सेकंड पड़े हैं अभी भी आपके पास। हाँ अनामिका, डिलीट 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 डिलीट, यहाँ टाइप नहीं करने, डिलीट कर दो इसे, प्लीज नॉट अलाउड, यहाँ टाइप नहीं करना आपने। ठीक ठीक है, तो अब नेक्स्ट 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 स्लाइड देखते हैं। तीन ये भी तनु, 30 सेकंड प्लस 7 रहेगा, फिर आप 6 सेंटेंस डिस्कस करेंगे उन्होंने। तुसे डन लिख सकते हो, बस आंसर नहीं लिखने। अच्छा ओके ओके, अनामिका मैंने देखा ही नहीं। हुण देखदा कौन कौन आज आइसक्रीम दे लायक है, जिसको आज आइसक्रीम मिलने वाली है। मिलेगी वह सारे नूं, असीं पार्शियलिटी करते नहीं, जिन्हें थोड़े गलत होणगे उन्होंने वड्डी आइसक्रीम, जिन्हें सारे ठीक होणगे उन्होंने आइसक्रीम थोड़ी छोटी। ठीक है तो चलो अब हम आंसर में लिखता हूँ, देखना थोड़े आंसर कितने ठीक होते हैं। चलो पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं और चेक करते हैं कड़े कड़े ठीक है। तुसीं मेरे को डाउट क्लियर कर सकते हो, पहले मैं अपने आंसर लिख रहा हूँ, जेडे डाउट ने तुसीं क्लियर कर लेना। पहले वे आएगा आंसर, ही मेट मी आफ्टर अ ईयर, अ आएगा। सेकेंड एज कुछ भी नहीं आना, कांटा लगेगा। थर्ड में आ आएगा। ठीक है, पहले तीन के आंसर मैंने आपको बता दिए, डाउट तुझे पूछ लिया जी, मैं वापस आवांगा स्लाइड पे। ठीक है, अ आएगा, क्रॉस आएगा, अ आएगा। नितिका ऐसे फेस बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मैंने पता सी जो टेस्ट करोगे तो ये होएगा। दो गलत, सेकंड गलत हो गया मंदीप, कोई बात नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्लियर ताई तक करने। तो अब इसके आंसर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ही केम आफ्टर एन आ, शी इज एन ऑनरेबल गर्ल, एंड ही शी बॉट अ यूज्ड कार। सेकंड ही गलत होने सी, अब ईयर का भी हो सकता है। हाँ ऑनरेबल ऑनेस्ट आता है फिर क्या, सही है, यहां मैंने गर्ल लिखा है। हाँ जी ऑल करेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, 6 के 6 जिनके ठीक हो गए, शाबाश, वेरी गुड, जिन्हें 5 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो सेकंड गलत है, वहां पर ही चलते हैं पहले, क्यों हुआ गलत चेक करें। हाँ जी, ही मेट आफ्टर अ ईयर, पहले दसो ये था किसी का गलत नहीं होया, क्योंकि कई बार की होंगे इन ईयर प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, यहाँ ये ईयर ईयर नहीं का, दिस इज ईयर, ईयर साउंड है ये। ठीक है, इसको ईयर प्रोनाउंस मत करो, ही इज 3 ईयर्स ओल्ड, 3 ईयर नहीं होता है। वाइस देखो, वैसे भी छोटी छोटी गाल याद रखो, वाई एक कंसोनेंट है, साइलेंट तो है नहीं, ईयर बोलांगे तो वाई ना तो कदे एन लगाते ही नहीं, वाई ना तो कदे एन लगता ही नहीं, ईयर ईयर साउंड है तो ऑल आया। हुण इहदे च एन क्यों नहीं लाया, सुन लो, ये जो आप आर्टिकल्स यूज करते हो ना, मैं तुहानू की कहा सी, काउंटेबल नाउन वास्ते यूज होते हैं, याद रखना इस चीज को, वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, जे सेंटेंस में हमें लिखा तरुण दिखा था, मैं कर ही लिखी है ना, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, फिर ठीक है, क्योंकि अ ते एन जेड़ा है ना, वो रिप्रेजेंट एक नाउन नु करता है, ना कि एक एडजेक्टिव। हाँ पश्मीना, बिल्कुल वही अब मैंने लिखा, अगर तरुण ऑनेस्ट बॉय होता ना तो फिर एन लग जाना सी, जे इनके पीछे कोई नाउन नहीं दिता ना, तुसी कुछ भी नहीं लगाओगे, क्रॉस लगाओगे। हुण इहनू पंजाबी च लिख के वेखिए, ओहो एक ईमानदार मुंडा जा लड़का है, हुण आपां ओ एक ईमानदार है, वो क्यों लिखांगे आपां, फिर आपां सीधे लिख देंगे वो ईमानदार है,
एक लिखन की लोड है, ठीक है। तो जब क्योंकि तोन्मकी क्या सी, अ का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और यहाँ पर तो नाउन, यहाँ पर तो गिनती है ही नहीं। ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के लिए हम अ का यूज नहीं करेंगे, इसलिए पहले बच्च एंड कुछ भी नहीं लगाना। यो हुण एंड च आ जाओ, कई ने मान लो ई नू देख के एन लगाया तो गलत है, क्योंकि दिस वर्ड इज एनू याद रखना, ई यूरोपियन नहीं बोलना, ये ई यूरोपियन नहीं का वर्ड है, यूरोपियन य साउंड है और य एक कंसोनेंट साउंड है और कंसोनेंट साउंड के लिए क्या लगेगा अ। ई नू देख के कदे भी एन ई यूरोपियन नहीं लगा देना। हुण आपां वैसे भी मास्टर कैडर्स कर लिया यूफनी, ठीक है ना, एनू ई यूफनी तां नहीं कहना, यूफनी बोला था, यूफनी करिया सी ना, प्लेजेंट साउंड आईयां सी सानू, तो यूफनी, तो अ आएगा क्योंकि साउंड य की है, तो य जिहड़ा साडे वास्ते है वो एक कंसोनेंट एक व्यंजन, बस याद हो रखना है। वाउल साउंड है तो एन लगाओ, कंसोनेंट साउंड है तो अ लगाओ। सेकंड स्लाइड में देखे, हुण सेकंड स्लाइड चाहिए होगा सी साडे कोलों, अगर इतने गर्ल असी वर्ड यूज नहीं करते, अगर इन असी कट दिए तो इतने एन भी कटिया जाएगा, अगर गर्ल है तो एन भी है। और ये वर्ड पहले वाला ये तो पता ही है, आर होता है, हार नहीं है, और फिर एन नू देखो, य साउंड यूज्ड का य साउंड है, कंसोनेंट है, तो यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होगे कि सिर्फ चीजा नू छोटी छोटी चीजा नू किवें क्लियर करना है। ऑनेस्ट ते ऑनरेबल, ऑनेस्ट नू वेख के ही सिर्फ असी छलांग नहीं लगा देनी। हाँ जी मिशा, जो फिफ्थ है ना, मान लो अगर हम कहते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं, मान लो मैं कहूं शी इज डैश ऑनरेबल, ठीक है, अगर वो ऑनरेबल है हम उसे ये तो थोड़ा कहेंगे वो एक ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेबल है। ऑनरेबल क्या है, गर्ल। मान लो अगर हम गर्ल नहीं लिखते तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं, शी इज ऑनरेबल। मान लो आप गर्ल लिखते हो, अब आर्टिकल किसको डिनोट करते हैं, नाउन को, काउंटेबल, तो अ और एन हम किसके लिए लगा रहे हैं, गर्ल के लिए। एक लड़की एक ऑनरेबल के लिए नहीं होता, एक लड़की जो ऑनरेबल है, ठीक है। तो अगर गर्ल है तो एन ऑनरेबल है, गर्ल नहीं है तो एन भी नहीं है। हाँ जी मिशा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत, थैंक यू वेरी मच। ये जरूरी सी साडे लिए क्लियर करना, तो डेफिनेट आर्टिकल आज नहीं करेंगे, लेकिन इनके एक पॉइंट रह गया जरा इतने लिखना है, मैं आज की क्लास इस पॉइंट तो बाद ही आंसर तुसी भरने ने जी, मैं नहीं भरना, चार सेंटेंस लिख रहा हूं, आंसर भर देना। पांच ही लिखूंगा, ये लो। हाँ जी रजनी, कोशिश तो यो करांगा, मैं ही करवाऊंगा, आप कहते हो तो नहीं करवाता, कम कर दूंगा नहीं, जस्ट किडिंग। तो तुसी पहले इन्हें आंसर करो, फिर आप गल करांगे। वेल डन। तो हुण एक्चुअली ना 26 लैटर दे विच्चों 13 लैटर अजिहे ने जिन्हां अगे तुसी एन लगा सकदे हो, हाफ द नंबर, ठीक है। पांच दा तुहानू पता ही है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आठ लैटर और भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो एब्रीवेशन जोड़ने चाहिए, जिवें हुण इहनू वेखिए, पहले तो असीं लावांगे एन, एन क्यों लगावांगे, ए एम, आ वेखो पंजाबी विच एम एवें लिखिया जांदा, साउंड किहदी है, अ दी, एब्रीवेशन चे एम अ है तो एन, नेक्स्ट में भी एम एल ए, एम एन एम एल ए, लेकिन यहां पर साउंड क्या है, मास्टर साउंड म की होगी, म दी साउंड होगी, तो ही इज अ मास्टर ऑफ आर्ट्स। असी फर्क वही करते पे, बस वर्ड नु किवें प्रोनाउंस करोगे। एस डी ओ फिर आ गया, एस एस अ दी साउंड है, एन एस डी ओ, सर्वेंट के लिए ही इज अ सर्वेंट, बस कोई तो देर करना। हाँ जी समीक्षा बिल्कुल ठीक है।
हाँ जी, हुण तुसी अगर इनडेफिनेट आर्टिकल च कोई डाउट है तो क्लीयर कर लो, क्योंकि कल हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल ते सारे, उस तो बाद एदी प्रैक्टिस इत्थे ही करांगे आपां, और वैसे भी पूरा टाइम हुआ है एग्जैक्टली इट इज। हाँ वेरी वेरी गुड, हुण किसे नूं कुछ डाउट है तो पुछ लो। थैंक यू वेरी वेरी मच, तो बहुत बढ़िया। अभी सर आपको, जसदीप सर कुछ एड्रेस करेंगे, जाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच आरजू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ते हुण अजे एक मिनट तुसी रुकना है, ग्रामर गुरप्रीत अजे बहुत मजा आएगा तुहानू करन ते। अभी तो ये पहली शॉट है, पूरा मैच देखोगे ना तो यू विल इंजॉय अ लॉट। बढ़िया नवी चीजा करनिया ने, बहुत सारी नवी चीजा आनगी। तो नाउ आई एम हैंडिंग इट ओवर टू जसदीप सर। मास्टर कैडर वाले आदे डिनर बनाओ, तो बाकी जिन्होंने सुनना हो जसदीप सर की आवाज सुनो। थैंक यू वेरी मच जी।